देखो बच्चा लोग, आज फिर से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस, वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन करता हूं। और याद रहे कि हर एक सॉल्यूशंस की जो मैं बातें करने वाला हूं उसे अच्छे से देखिए और ध्यान से सुनिए, और मेक श्योर कि आप सिर्फ इसे देखता ही नहीं हो बल्कि अपने कॉपी पर इसे नोट्स भी बनाते हो। व्हाट इट, समझ गए हो? चलिए अच्छी बात है। और देखो जो क्वेश्चंस है आपके सामने वो है, मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम ए विद दोस इन गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ दिया हुआ है उसको मिलान करना है कॉलम बी में, समझ गया ना? यानी कि एक चीज तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन है वो मैच द फ्लोइंग है एक प्रकार का, हाँ यही है। अब देखिए मैं सबसे आपको सटीक और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। एग्जामिनेशन में सपोज दैट मैचिंग आता है, मुझे नहीं पता कि किस तरह के मैचिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, बट जो भी हो वो मैथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है कि मैच कीजिए कॉलम ए को कॉलम बी को, तो देखो कैसे उसको सॉल्व करना। सबसे पहला खराब तरीका जो मुझे लगता है कि बच्चा लोग क्या करता है कि इसको उठाता है कुछ ऐसे ऐसे एरो वगैरह ऐसे कर देता है इसी कोशिश लिख के, जबकि ऐसे आपको करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इस प्रकार से क्रॉस करके मैच करते हो तो शायद जो एग्जामिनर है या फिर जो भी वहां पे आपको कॉपी को चेक करेगा वो सोचेगा कि पता नहीं इसका जो है तू मिला रहा है वो इसमें, अब वो सोच लगे कहीं इधर से लाए क्रॉस करके तो ये ना कहीं, तो इस प्रकार से आपका मैचिंग जो है वो गलत हो सकता, तो इस तरीके का भी आप नहीं इस्तेमाल। देखो एक और तरीका जो स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, उसके पास कम समय रहता है तो सीधे फर्स्ट का सी एंड द सेकंड का डी कुछ इस प्रकार से करने लगता है। ठीक है, ये तरीका को भी मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं क्या तुझे सिखाना चाहता हूँ, मैं क्या तुझसे बताना चाह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। और कहीं भी एग्जामिनेशन मैचिंग का दे रहे हो तो कुछ इसी प्रकार से आप लिखना, ठीक है ना? अगर आपके पास समय नहीं रहे तो ये जो फर्स्ट का सी बी की है तो वैसे कर सकते हो, लेकिन जो मैं लिखने वाला हूँ, जो मैंने अपने जीवन में मैच द फ्लोइंग का बनाने में इस्तेमाल किया, मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। गॉट इट? तो फिर से आपको बताता हूँ काम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम कंफ्यूजन के साथ। गॉट इट? अब देखो तुम क्या करना कि सबसे पहले लिखो कॉलम ए और इस साइड लिख दीजिए कॉलम बी, कुछ इस प्रकार से घेर सकते हो, ठीक है। अब ये होने के बाद पहला नंबर में लिखिए स्पर्म और स्पर्म लिख दीजिए। अब कॉलम बी में सर्च मारिए, हाँ ऐसे ही तीर देना, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, समझ गया ना? अब देखिए जो स्पर्म है खोजिए कि स्पर्म के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो ये मेल गैम, यानी कि यहां पे लिखेगा डी और फिर लिखिए ये हो गया मेल गैमेट। गॉट इट? अब देखो दूसरा नंबर पर यहां पे दिया हुआ है वो है ओवरी के बारे में, ओवरी याद रहे ओवम नहीं है बल्कि ओवरी है, तो ओवरी क्या हो सकता है बोलो? ये हमारा फीमेल ऑर्गन है ओवरी, फीमेल गैमेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे ओवम नहीं ना, ओवरी दिया हुआ है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ये फीमेल, तो ये फीमेल ऑर्गन हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द फीमेल ऑर्गन। आई होप कि आपने समझा हो। थर्ड में क्या दिया हुआ है? ओविडक्ट दिया हुआ है, तो इस साइड लिख लीजिए दैट इज द ओविडक्ट, फिर से आप एरो देंगे और ओविडक्ट को इस कॉलम बी में खोजिए कि क्या सही हो सकता है, तो एक टिक, क्यों? क्योंकि जो ओवरी में से ओवम ओवम निकलता है तो वो ओविडक्ट में आता है, और ओविडक्ट जो है इसमें एग आ रहा है, ओवम का दूसरा नाम एग है या फिर ओवा भी उसको बोलते हैं, वो आता है ओविडक्ट में, तो जब एग आया ओविडक्ट में तो इसको एग टिक भी बोल सकते हैं ओविडक्ट को जी, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, That is egg tube। चलिए अच्छी बात है। Next है testis के बारे में, तो इस साइड लिख दीजिए testis। अब जो एक लास्ट बच गया वही हमारा testis हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं हमेशा राइट तरीके से। अब testis के लिए खोजेंगे कि क्या हो सकता है,
तो ये टेस्टिस जो है वो मेल ऑर्गन, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये टेस्टिस, जिसको मैं स्पर्म मानता है, तो मेल ऑर्गन हुआ ना, तो मेल ऑर्गन हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएंगे मेल। और याद रहा है मैंने जो ये तरीका आपको बताया, अगर आप इस प्रकार से लिखते हो एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी क्लास का एग्जामिनेशन क्यों ना आप अटेंड कर रहे हैं, उसमें अगर ऐसे लिखे हो तो जो भी आपका कॉपी चेक करेगा टीचर्स, वो समझेगा कि नहीं बच्चे ने अच्छे से पढ़ा किया और उसको लिखना भी आता है, सिर्फ ऐसे नहीं है। कई कई विद्यार्थी को देखते हैं कि बस ऐसे ही आया, लिख दिया, निकल गया, जबकि हैंडराइटिंग का कुछ ख्याल नहीं किया, लिखने का तरीका गलत था, तो इसमें भी मार्क्स वगैरह क्योंकि कट कर दिया जाता है, फिर आप सोचते हैं कि मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो दिस इज द राइट वे टू सोल्व द क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ट ऑन मैच द फॉलोइंग, गॉट इट? तो इसे आप फौरन से नोट कर लीजिए, उस साइड हटो चाहे इस साइड हटो क्या फर्क पड़ता है, नहीं लिख लिए ना, इसे इरेज करता हूं और ताकि आप कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बातें कर सकता हूं, गॉट इट? तो लेट अस डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, the question here arises is that differentiate between internal fertilization and external fertilization. आपको बताना है कि internal fertilization और external fertilization के बीच में क्या अंतर है, ठीक है ना? और ये भी बताना है कि what type of fertilization takes place in frog में, किस तरह का fertilization होगा, यानी कि क्या internal होगा या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा फ्रॉग में, ये बताना। फिर बी में है कि फॉक्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन तो होना ही है, बस बट उसमें कौन सा कैटेगरी के अंदर में आएगा ये आपसे पूछा गया है। समझ गया ना? आई होप कि आपने समझ गए होंगे। तो डू वरी, लेट अस डू दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के डिफिनेशन हो जाए, तो लेट अस डू। ये 56 का आंसर लिख रहा हूं, लिखे हैं कि फर्टिलाइजेशन, ऐसे लिखे कि दोज फर्टिलाइजेशन which takes place inside the body is called internal fertilization. उसको क्या बोलते हैं? Internal fertilization बोलते हैं। समझ गया ना? ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब एग्जांपल्स देना चाहते हो सो गुड, नहीं देना चाहते हो सो गुड। एग्जांपल्स हो जाएगा काउ हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएंगे, बहुत सारा हो जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है? अब स्टार मार्क लगा करके लिख दीजिए कि वेयर एज, लेकिन जहां तक की बात करता हूं तो ये हो जाएगा दोज फर्टिलाइजेशन, जो क्या होता है, दोज फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। It's called external fertilization, ठीक है ना? ये इसका डिफिनेशन से हमने क्या किया, यही हो गया, इसका अंतर हो गया। ठीक है? अब इस external fertilization का आप examples लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि examples में हो जाएगा fish हो जाएगा, frog हो जाएगा, ईटीसी लगा दीजिए, यानी कि और भी बहुत सारा चीज। समझ गया ना स्टूडेंट? अच्छी बात है। और देखिए मैं आपको सिखाता हूं अब
ये तो डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें किया था, तो ये डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 50% सॉल्यूशन हो गया है। 50% और पूछा है कि भाग टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स्ट प्लेस, किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा फ्रॉग में और फॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 56 का ए का आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आंसर देना है, ज्यादा लंबा करके नहीं लिखना है कि फ्रॉग में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा। तो ए में फ्रॉग है तो फ्रॉग में जानते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अभी भी पता है, तो यहां पर लिख दीजिए एक लाइन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी में क्या है, फॉक्स आता, फॉक्स से हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पे 56 का बी का आंसर हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं क्या मैं लिखने वाला, वो है इंटरनल, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, समझा होगा। आप इसे फौरन से नोट कीजिए और फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस को बातें करता हूं, इसे एक बार नोट कर लेगा, मैं साइड खड़ा हो गया हूं, आप इसे नोट कीजिए कॉपी में, गॉट इट, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए कि वो क्वेश्चन क्या आस्किंग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, इसे इरेज कर दू फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ट बाई क्लोनिंग, व्हाट इज मीन्ट बाई क्लोनिंग, यानी कि क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर क्लोनिंग का मतलब क्या होगा, क्लोनिंग का डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो पढ़ाए थे जी, मैंने तो आपको पढ़ाया था कि क्लोनिंग क्या होता है, उसका एडवांटेजेस वगैरह ये सब, डिसएडवांटेजेस वगैरह ये सब, मैंने हर एक एक चीज की बातें किया हूं आपसे, नहीं याद आ रहा, ढूंढ भरी मैं बताऊंगा क्लोनिंग क्या होता है उसके बारे में लिखना है, व्हाट इज क्लोनिंग कहिए, या फिर स्टेट वेदर गैमेट्स आर इन्वॉल्वड इन क्लोनिंग और नॉट, और आप उससे ये बताना है कि क्या जो गैमेट्स जो है वो क्लोनिंग के केस में इन्वॉल्व होता है कि ना, तो यस और नो में आंसर देना है, और कैसे गैमेट्स का लेन देन होगा, यानी कि क्लोनिंग को गैमेट्स से लेना देना है या नहीं, मैं बताऊंगा है कि नहीं। और नेम टू एनिमल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग, और ऐसा दो जानवरों का नाम बताइए जो क्लोनिंग के मदद से क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, उसका जन्म हुआ है। तो बहुत आसान है, वेरी इजी बता देंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज क्लोनिंग, यानी कि क्लोनिंग क्या होता है, इसको लिखना पड़ेगा। तो डोंट वरी स्टार्ट्स द राइटिंग। तो देखिए फिफ्टी सेवन का आंसर हो जाएंगे, क्या लिखूंगा बोलो, नहीं बोल रहा है, देखो लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ क्या, नहीं जो ऑफ स्प्रिंग, कैसे बोल रहे हैं आप, जेनेटिकली क्या मॉडिफाइड करो, नहीं, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल इज कॉल्ड क्लोनिंग, देखिए हमने बहुत ही सरल और आसान डिफिनेशन और सटीक डिफिनेशन लिखा क्लोनिंग का। हमने कहा कि देखो भैया क्लोनिंग जो है वो प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल यानी कि नया संतान को तो उत्पन्न करेगा, बट ये पिछले की तरह एकदम सेम रहेगा जेनेटिकली, यानी कि हर एक चीज में सेम रहेगा, लुक्स में कॉपीज ही है एक तरह का उसका, जैसे फोटो कॉपी करते हो ना जाकर के आधार कार्ड का फोटो कॉपी निकालिए, तो जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह का ये चीज है। किस तरह से किया जाए तो कोई लेना देना नहीं है, नेचुरली हो जाए चाहे आर्टिफिशियली हो जाए, नेचुरली कहने का मतलब कुछ वहां पे किया जाता है, अभी नहीं जानना कि कैसे नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाएगा। आर्टिफिशियली जो है वो क्रोमोजोम्स के नंबर का रिप्लेट किया जाता है, और नेचुरली जो है वो इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया, कभी उसके साथ कभी इस फीमेल के साथ, सुपीरियर को इस प्रकार से किया जाता है, गॉट इट,
मैंने कुछ आपको आइडियाज दिया हूं, मैं सिखाया नहीं अभी, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्लोनिंग, इसको क्लोनिंग बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताना है इसमें कि स्टेट वेदर गैमेट्स इन्वॉल्व क्लोनिंग में होगा कि नहीं होगा। तो यस होगा, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन से क्या लेना है, तो ये सेक्सुअल थोड़े हो रहा है जी। एनी हाउ है तो एक सेक्सुअल ही, बट देखिए गैमेट्स का कैसे रिप्लेसमेंट। अगर आर्टिफिशियली की मैं बात करूं तो देखो जो क्रोमोजोम्स का जो नंबर है उसको रिप्लेस किया जाता है, बात को समझिए। जो नंबर का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्रोमोजोम्स के साथ जो भी है, वो गैमेट्स जो है वो स्पर्म और ओवम वगैरह नहीं है, तो उसमें जो है क्रोमोजोम्स का नंबर को इधर उधर किया जाता है ताकि जैसा मैं चाहूं वैसा इंडिविजुअल का निर्माण हो सके। तो क्रोमोजोम्स जो कि गैमेट्स का ही रूप है, समझ गया ना, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। डीएनए भी क्या है, क्रोमोजोम्स वगैरह है ना जी, तो क्रोमोजोम्स वगैरह क्या चीज हुआ, गैमेट्स ही तो हुआ ना, तो बोल सकते हैं कि यस। स्टार ला करके यस यस गैमेट्स आर और क्या होगा, तो इन्वॉल्व इन क्लोनिंग। क्लोनिंग में गैमेट्स का रोल होता है। अब कैसे होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, समझ गया ना, इसीलिए परेशान ना करना पा रहा हूं। नेम टू एनिमल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग। दो जानवर का नाम बताएं जो क्लोनिंग के थ्रू उसका जन्म हुआ है। तो एक का तो ख्याल आ रहा होगा डॉली सीप का, दूसरे का ख्याल आपके मन में नहीं आ रहा होगा, नहीं ना आ रहा, सच बताना। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिख सकते हो सबसे पहले तो डॉली लिख दो, डॉली एंड नोह, एंड नोह सीप, डॉली और नोह सीप, ये दो ऐसा था, ऐसा दो इंडिविजुअल है और द टू इंडिविजुअल विच इज जो क्या है, तो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, बोलिए कैसे, क्लोनिंग के मदद से। और क्या सीखा, तो इस 57 का प्रश्न को मैंने डील किया, मैं साइड हूं, अभी आप फौरन से इसे नोट कीजिए, समझ गया। तो कुछ इसी प्रकार से सोल्यूशन होता है प्रश्न का, और कुछ विशेष नहीं, और बाकी मैं सीरियस करता हूं, फिर से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गॉट इट, लिख लिया हो ना, अच्छी बात। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट है ये स्टेट क्वेश्चन है 58। व्हाट इज मीन्ड बाय रिप्रोडक्शन बाय इजुट एसेंशियल, ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, और ये इसेंशियल क्यों है, यानी कि ये जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए, यही प्रश्न है। तो पहला तो डिफिनेशन लिखे कि रिप्रोडक्शन क्या है, लिखे हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लिख सकते हो, प्रोसेसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए ये जो डिफिनेशन है वो मैंने बेहतरीन डिफिनेशन लिखा है, समझ गया ना, इस डिफिनेशन बहुत ही अच्छा है। आप कहीं भी इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे इसके जगह और भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इजी लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू एक जो नया संतान को उत्पन्न किया जाता है, इसी प्रक्रिया का क्या नाम है, तो रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, समझ गया ना स्टूडेंट, अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि भाई इज इट इसेंशियल, ये इसेंशियल क्यों है,
ये जरूरी क्यों? तो लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, एसेंशियल फॉर, एसेंशियल एसेंशियल ड्यू टू फ्लोइंग, ड्यू टू फ्लोइंग रीजन का ये चाहे जो कहना सो कहिए, एसेंशियल ड्यू टू फ्लोइंग रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हो, मैंने यहां पे ड्यू टू फ्लोइंग लिख दिया, आप चाहें तो यहां पे बिकॉज ऑफ लिख करके ये ऑब्लिक देख सकते हैं, समझ गए। और पहला में लिख देगा टू मेंटेन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को बरकरार रखने के लिए भाई, दूसरा बोल सकता है टू मेंटेन आवर कम्युनिटी, तीसरा बोल सकते हो टू मेंटेन द स्पेसिस, स्पेसिस को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। मैंने ये क्या लिखा देखिए, अगर सपोज दैट मान लीजिए स्टूडेंट कि हम लोग ह्यूमन बींग्स इस धरती पर आते हैं और कोई सब ठान लगा कि हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा कि हमारा लाइफ स्पैन आ जाएगा और हम लोग ओल्ड हो जाएंगे और फिर फाइनली हमारा डेथ हो जाएगा और मर जाएगा, और इसी प्रकार से हर एक ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे इस धरती पर से समाप्त हो जाएगा, तो ह्यूमन प्रजाति जो है वो विलुप्त हो जाएगा, यानी किसका तो वंश ही खत्म हो जाएगा। तो अगर रिप्रोडक्शन करता है तो मरेगा भी, तो फिर जन्म लेगा तो उसका भरपाई करने के लिए आ गया है इंडिविजुअल, इसलिए हमारा अस्तित्व इस धरती पर रहेगा। हाँ वो अलग बात है कि मैं नहीं रहूंगा एक दिन, लेकिन ह्यूमन बींग्स तो रहेंगे ना, ह्यूमन बींग्स का तो इस धरती पर क्या बोलते हैं अस्तित्व रहेगा ना, तो बस उसी प्रकार से इसीलिए चाहिए पॉपुलेशन को बरकरार रखने के लिए कम्युनिटी, वही हुआ समुदाय। जैसे मान लीजिए कोई कोई बोलता है कि हम लोग इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो पार्टिकुलर कास्ट समुदाय को भी जीवित रखने के लिए उसको सेम कास्ट रिलीजन के साथ क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, ताकि उसी कास्ट रिलीजन के जैसा ही उत्पन्न हो जाए। व्हाट इट अब लिखा है स्पेसिस, स्पेसिस भी बताएंगे, वही स्पेसिस ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स है, समझ गया ना। तो इसे फौरन से आप लोग नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़ सके, समझ गया ना। The questions here arises is that define asexual reproduction. Asexual reproduction को आप define कीजिए कि वो क्या होता है, फिर क्या करना है। पहले अगर question लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं questions यहाँ से, ठीक है, फिर मैं इसका solution करता हूँ। Name two methods of asexual reproduction in animals. Asexual reproduction को define करते हुए दो तरीका बताइए जो asexual reproduction को follow करता है या फिर asexual reproduction किया जा सकता है इस दो तरीकों से। तो इस दो तरीका क्या है उसका नाम लिखना है, व्हाट इट। फिर नेक्स्ट है कि नेम टू एनिमल्स, नेम टू एनिमल्स, दो जानवरों का नाम बताइए व्हिच रिप्रोड्यूसेस बाय दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। और ये जो दो मेथड आपने एसेक्सुअल का दो मेथड का नाम बताया है, और इसी में आपको एग्जांपल इधर है कि ये दो मेथड से कौन कौन एनिमल्स जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है एसेक्सुअली, व्हाट इट। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे और क्वेश्चन नंबर 59 करते हुए आंसर कर देंगे, और लिखेंगे कि डिफाइन एसेक्सुअल, लिखेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग। सर ये ऑफ स्प्रिंग का हिंदी बता दीजिए, हमको बहुत चिंता होता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है संतान, जो नया संतान उत्पन्न होने वाला, समझ गया ना। ऑफ ऑफ स्प्रिंग बाय ए सिंगल पैरेंट, एक ही पेरेंट्स और ए सिंगल पैरेंट, वो भी कैसे, वो भी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स, बिना गैमिट्स का इन्वॉल्व किए हुए
देन दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ गया ना स्टूडेंट? चलिए ये आपका डिफिनेशन कंप्लीट होता है। अब नेम टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो मेथड्स यहां पर लिख देगा कि फ्लॉवरिंग और दी टू मेथड्स, टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का निम्नलिखित दो मेथड है। पहला का नाम है बडिंग, बडिंग होगा तो बडिंग जो है वो इसका एग्जांपल बडिंग किसमें होगा तो लिखेंगे हाइड्रा में, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन, ये किस में होगा तो एमीबा में होगा, पढ़ते हैं इसको एमीबा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को देते हुए मैंने इसको भी डील कर लिया कि नेम टू एनिमल्स विच रिप्रोड्यूसेस बाय, आपने तो दो प्रक्रिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो मेथड तो आपने लिख दिया, बडिंग और बाइनरी फ्यूजन, इसको में कोई शक नहीं है। अब ये जो दो मेथड बताए हैं इसका एग्जांपल दीजिए आप लोग, तो एग्जांपल भी तो मैंने दे दिया है यहाँ पे, नहीं दिया जी, ये क्या है हाइड्रा और एमीबा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 59 जो है तो पूरे तरीके से सॉल्यूशन के साथ ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने इसे नोट किया होगा, अगर नहीं किए तो फौरन से नोट कीजिए वरना मैं इसे इरेज कर दूंगा, साइड हटता हूं। चलो हट गया, अब तो ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाली बात थी, बस आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय क्लोन नेम वन फेमस क्लोन, अब ये क्लोन क्या होता है ये बताना है, इसका डिफिनेशन लिखना क्लोन का, और एक ऐसा फेमस क्लोन का नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध रहा, यानी कि दुनिया भर में उसको जाना जाता है, उस क्लोन का एक नाम लिखना है, कौन है वो बोलो। नहीं पता तो फिर मैं हूं ना। देखिए 60 का आंसर हो, सबसे पहले तो क्लोन का डिफिनेशन लिखिए, तो लिखना कि इट इज एन एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी ऑफ ए प्लांट, या तो प्लांट का हो सकता है और एनिमल्स का हो सकता है, ठीक है। हमने लिखा कि क्लोन क्या है तो ये जो है वो एग्जैक्ट कॉपी किसका हो सकता है, या तो प्लांट का हो सकता है या फिर एनिमल्स का हो सकता है, समझ गया ना। और लिखो कि विच इज प्रोड्यूस्ड, जिसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, तो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स सेल्स बाय कैसे जी, तो बाय साइंटिफिक मेथड, जो कुछ भी साइंटिफिक मेथड है उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया है कि ठीक उस डिफिनेशन लिखो, पहले तुम लिख लिए अच्छी बात है। मैंने क्लोन का डिफिनेशन क्या लिखा, शायद आपको नहीं समझ में आया तो सुनो मेरी बातों को समझ में आ जाए। मैंने कहा जैसे सपोज दैट मैं एक एनिमल्स हूं ना, ह्यूमन बींग्स, मेरा नाम ए राजा, ठीक है। अब ये क्लोन समझा रहा हूं मैं, अब फिर मेरा एक सेल लीजिए और इस सेल से एक नया ए राजा का निर्माण कर दीजिए, जो हु और हु मेरे जैसा ही रहे, मेरे जैसा ही स्माइल करे, मेरे जैसा ही बच्चों से प्यार करे, मेरे जैसा ही उसको समझाए, हर एक तकलीफ को समझे, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्लोन कहलाएगा मेरा क्लोन। तो वो क्लोन तो हुआ है, एक वो ही कैसा है, तो एग्जैक्ट कॉपी है, प्लांट तो नहीं है यहाँ पे लेकिन एनिमल्स है, जिसका प्रोडक्शन हुआ बाय वन ऑफ इट्स
सेल्स, उसका एक सेल लेकर के प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। वही ऐसा थोड़ी होगा, कुछ साइंटिफिक मेथड होगा, कुछ लेबोरेटरी वगैरह ऐसा उससे निर्माण हुआ, तो इसी को क्या बोल दिया, क्लोन बोल दिया, ठीक है। अब नेम वन फेमस क्लोन, एक वन फेमस क्लोन का नाम बोलेगा ए राज, हाँ सर बोल रहे, क्यों, क्योंकि अभी भी तो कहा कि अभी प्रोड्यूस, अरे डोंट वरी, देखिए मैं आपको बताता हूं, वो है डॉली सीप, बहुत 1900 कुछ ईस्वी में इसका हुआ था डॉली सीप का जन्म, तो ये बहुत ही फेमस रहा, ठीक है ना। तो लिख लेना उत्तर में कि डॉली वाज, डॉली वाज वाज वास ए क्लोन, वास ए फेमस क्लोन, हाँ ऑफकोर्स बाज लगेगा क्योंकि अब है नहीं था, ठीक है ना, लेकिन बहुत फेमस था, नेम वन फेमस क्लोन, तो डॉली वास ए फेमस क्लोन, ठीक है, चलो हो गया। मैंने एक बेहतरीन तरीके से आपको लिखा, फॉरन से नोट कीजिए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझसे इतना मेहनत करवाते हो, मैं आपके लिए तत्पर रहता हूँ, हर एक से लिखाता हूँ, बट मेरा चिंता यह रहता कि क्या आपने इसे लिखा कि नहीं लिखा, क्या आपने इसे समझा कि नहीं, कहीं तकलीफ तो नहीं हुआ समझने में, गॉट इट, इसलिए बोलता हूँ बार बार, समझ गया ना, समझे, चलिए श्योर। अब जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था वो मैंने आपको सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया, अब कुछ नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करूंगा जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा, और इस लेक्चर का कहानी जो है वो मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट मुस्कुराते हुए, तब तक के लिए बस वैसे ही रहिए जैसे आप पहले रहते थे, ठीक है।